अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू तो अनदर वीडियो कैसे हैं सब लोग उम्मीद है सब खैरियत से होंगे भाई आई नो बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही हैं लोग कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं कि इस पे वीडियोस बनाएं वीडियोस बनाएं खैर मैं पहली वीडियो कवर कर लेता हूं बाकी की टॉपिक्स पे भी वीडियोज आ जाएंगी इस वीडियो में ब्रेकिंग न्यूज सामने जो आपको स्टेडियम दिख रहा है नो बहुत से लोगों ने अभी तक गेस नहीं किया होगा लेकिन गुजरावाला के लोगों को पता लग गया होगा ये गुजरावाला का जनाव क्रिकेट स्टेडियम है साथ में ये वाला फैसलाबाद का एक बॉल स्टेडियम है जिसके लिए बहुत कमेंट्स आया करते थे फाइनली इन दोनों स्टेडियम से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज आई है

टॉप प्रियोरिटी हो ये तो वो लगता है सबको काकुल भेजने वाले एक बार फिर से जो पीएमए ने ट्रेन किया था मिजबाला हा कजर अली के जमाने में और फिर जो इंग्लैंड का टूर हुआ था वो जो डंट वगैरह पुशअप्स वगैरह जो बड़े मशहूर हुए थे मैचेस जीतने के बाद वो सेलिब्रेशन आपको याद होगी वो पाक आर्मी ने ट्रेन करवाई थी सबको बड़ा भगाया था खैर ये सारी डिटेल्स की तरफ आते हैं पहले मैं आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज शेयर कर देता हूँ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहे और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अच्छा पहले तो ये समझ लें जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन हो गए उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके फाइनली चले गवर्मेंट आई गई है तो उसके बाद, कर, कर, के बाद पीएम से लेकर सीएम से लेकर पीसीबी के चेयरमैन सब बड़े सरगर दिखाई दे रहे हैं ये स्टेटमेंट्स और ये विजिट्स हो रहे हैं जी मैं इसी की बात कर रहा हूं आप लोग सोच रहे होंगे ये सामने आपको स्टेडियम सियालकोट जो जो अंडर कंस्ट्रक्शन था था का फेज का काम हुआ था। ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपको दिख रहा है इंडोर बैटिंग बॉलिंग हॉल स्विमिंग पूल ये सारी फैसिलिटीज जो यहाँ पे बनाई गई आपको याद होगा ये भी मैंने बड़ा डिटेल से ए टू जेड कवर किया था साथ में ये फैसलाबाद का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना था इसकी मैं वीडियो शेयर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन न्यूज आ गई थी साइड पे आपको दिख रहा होगा डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर

की बात की जा रही थी जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी बता रहे थे जरा क्लियरली समझ लें हुआ कुछ यू कि मोहसिन नकवी ने बताया कि गुजरा वाला का जो स्टेडियम है और फैसलाबाद का जो स्टेडियम है स्टेडियम की बात की जा रही है वो दोनों हमने टेक ओवर कर लिए अच्छा गुजरावाला और फैसलाबाद के स्टेडियम की आगे मजीद क्लिप्स मैंने ऐड की हैं बस आप वीडियो कंटिन्यू रखें मैं मजीद न्यूज पहले ऐड कर दू इसके अलावा उन्होंने बताया कि फैसलाबाद और गुजरावाला के क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ सियालकोट और फैसलाबाद के हाई परफॉर्मेंस सेंटर को भी टेक ओवर कर लिया गया है फैसला और सियालकोट में तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर यही न्यू बने हैं तो इन्हीं की बात की जा रही है और सियालकोट का स्टेडियम आपको पता है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन था जो कि सामने आपको दिख रहा है इसकी अब अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे थे अब इस पर मजीद एक्शन सी एम पंजाब मरीफ नवाज शरीफ ही ले सकती हैं जो आजकल बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है उनको टैग करें उनके साथ ये शेयर करें कि इसके फेज़ टू का काम जो कि स्टेडियम था उसको अब आगे रिज्यूम करके स्टेडियम को फिनिश करें तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर फैसलाबाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर सियालकोट ये दोनों टेक ओवर कर लिए हैं ये समझ लें और साथ साथ जो ये इकबाल का क्रिकेट स्टेडियम है साथ दूसरा जो गुजरा वाला का जिनाह क्रिकेट स्टेडियम है जो सामने आपको वीडियो में दिख

बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा ये पाकिस्तान के गुजराव वाला का जनाव क्रिकेट स्टेडियम है जो कि मेरे ख़्याल से पिंडी के जो स्टैंडस हैं ये इतना बड़ा स्टेडियम है उससे भी बेहतर है बस ये है कि यहाँ का पवेलियन एंड जो मीडिया बॉक्स है वो थोड़ा छोटा है एंड वो नाइन्टीज़ के ज़माने का बना हुआ है यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट तक होस्ट होती रही है और मजीद जो अकेडमी क्रिकेट है बाकी टूर्नामेंट्स हैं वो भी होते रहते हैं लेकिन ये खास हाली का शिकार हो चुका है इवन यहाँ पर फ्लड लाइट्स की इंस्टालेशन भी हुई हुई है जो सामने आपको पोल्स दिख रहे हैं इसी स्टेडियम के मुनासिब से एक और बात आपके साथ शेयर करूँ तो इस तरह के मजीद भी स्टेडियम्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं अगर किसी इस तरह से बाकी सिटीज़ को एक्सप्लोर करे डोमेस्टिक क्रिकेट से शुरू कर ले कि हर सिटी की जो टीम्स होती हैं वहाँ पे उनके होम स्टेडियम्स को यूटिलाइज़ करें आहस्ता आहस्ता उनमें काम करे तो उसको पी एस एल एंड इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है इवन जो बासत ख़ान है कमेंटेटर उन्होंने ये फैसलाबाद के स्टेडियम की बात की कि वो तो बिल्कुल पिंडी के पिंडी स्टेडियम की तरह जिस तरह स्टैंड हैं उसके स्क्रीन सामने आपको दिख रही है ये फैसला आबादा का स्टेडियम है इकबाल स्टेडियम इवन इसी साल यहाँ पर जो लास्ट ईयर डोमेस्टिक क्रिकेट हुई उसके मैचेज़ होस्ट हुए नेशनल टी ट्वेंटी कप के मैच ये फैसलाबाद का स्टेडियम होस्ट करता है फ्लड लाइट्स इंस्टॉलेशन इस साइड पे भी, भी हुई है तो जनास्ट स्टेडियम गुजरावाला और फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम वो दोनों बिल्कुल रेडी हैं थोड़ी बहुत रेनोवेशन अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे तो इवन चेयर्स इंस्टॉलेशन तक हुई हुई है दो बड़े स्टैंड में फैसलाबाद के स्टेडियम में सो फाइनली गुड न्यूज़ है फैसलाबाद के लोगों के लिए गुजरावाला के लिए एंड सियालकोट के लिए लेट्स होप के सी पंजाब सियालकोट के स्टेडियम पर काम शुरू करें एंड आपको पता है कि मोहसिन नकवी केयर टेकर सीएम पंजाब रह चुके हैं लेकिन अब सिर्फ पीसीबी चेयरमैन के तौर पे अपने फरज़ सर अंजाम दे रहे हैं और पीसीबी के चेयरमैन का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लेट्स होप तो इस तकरीर में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब प्लेयर्स को को बुलाकर जो बड़ा क्लियर कह रहे थे कि मैं पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना बिल्कुल नहीं मानता और मैं बिल्कुल भी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा कि स्पोर्ट्स में आप पॉलिटिक्स लेकर आए तो ये मेरा मैसेज भी है मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन को भी कि अगर आप ये मानते हैं कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स ना लेकर आए तो मुझे उम्मीद है कि पिशावर वर्सेस पंजाब करके आप डिस्क्रिमिनेशन का मुजहरा नहीं करेंगे और के में जो नए स्टेडियम बने हैं यहाँ पे क्रिकेट को लेकर आएंगे क्रिकेट से स्टार्ट करेंगे या आगे आप देख लीजिएगा पाकिस्तान में ऐसा होता है कि विफाक को लेकर पंजाब वर्सेज सिंध ये सब चलता रहता है बजट का मामला हो या बाकी चीजें हो खार बाकी चीजों का तो नहीं पता लेकिन इस मीटिंग में जो बड़े स्ट्रिक्ट और के अंदाज में आप कह रहे थे कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं मानूंगा स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं चलेगी तो इस बात का सबूत आप के पी में पिशा में खासकर जो स्टेडियम बने हैं इस साइड बी एस एल एंड इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी ला कर देंगे क्योंकि आप सीएम पंजाब केयर टेकर रह चुके हैं जिसको लेकर बहुत से लोगों को डाउट भी था कि जब ये पीसीबी के नए नए चेयरमैन बने थे तो लोग कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है और इनको नहीं होना चाहिए था लेट्स सी वो आगे प्रूफ करते हैं वैसे तो पंजाब साइड पर बड़े काम किए हैं लेट्स होप के बाकी शूबों में भी करेंगे कोयटा एंड पिशावर को हाईलाइट करके टॉप पर रखें क्योंकि हमेशा इग्नोर हुए हैं लेट्स सी फ़िलहाल तो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई इनकी तरफ से गुजरावाला फैसलाबाद और पिंडी मुल्तान कराची लाहौर उस स्टियम के वाले से प्रीवियस मैंने वीडियो कवर कर ली थी उस वाले से तो बड़ी स्टेटमेंट्स दे दिए हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए बाकी ये जो चार स्टडियम्स हैं उसके लिए प्रीवियस वीडियो कवर हो चुकी है उसमें उन्होंने बताया हुआ कि चैम्पियंस ट्रॉफी ट्वेंटी के लिए वो रेडी किए जाएंगे उनमें इंप्रूवमेंट होगी रेनुवेशन अपग्रेडेशन का बताया लेट्स सी न्यूजीलैंड का टूर हो जाता है फाइव टी ट्वेंटी एज मोस्ट प्रॉबली रावल एंड लाहौर साइड पे हो तो उसके बाद ही देख सकते हैं इसी न्यूजीलैंड सीरीज को लेकर जो पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी डेलीगेशन भी आएगी वो भी आ गई है पिंडी स्टेडियम का जायजा भी ले लिया वो लाहौर साइड जाएंगे सो इससे भी अंदाजा होता है कि पिंडी स्टेडियम में कुछ टी ट्वेंटी एस दिए जाएंगे एंड कुछ लाहौर में उसकी अपडेट भी आगे कवर करते रहेंगे इस वीडियो में गुजरावाला को लेकर एंड फैसलाबाद को लेकर खास मैंने हाईलाइट करना था विद वीडियोस वीडियोस में तो आपने देख ही लिया स्टेडियम्स के बारे से ये मैं बहुत पहले भी हाईलाइट कर चुका हूँ जो मेरे पुराने ओ हैं पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है जो गुजरा वाला इवन पाकिस्तान के टॉप टेन टॉप ट्वेंटी स्टेडियम्स इंक्लूड कर लें जो फेमस स्टेडियम्स हैं उनकी मैंने वीडियोस शेयर की हुई हैं आप मेरे चैनल का विज़िट कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें स्टेट्यून रहा करें तो आप वीडियोस मिस नहीं करेंगे सो so, ये वीडियोस मैं बहुत पहले सालों साल कवर कर चुका हूँ ये तो अभी ट्रेंड में आया है चैंपियंस ट्रॉफ़ी ट्वेंटी की वजह से स्टेडियम्स का जिक्र हो रहा है और ये बड़े सरगर्म हो रहे हैं हम तो सालों साल तीन चार सालों से इस पर वीडियोज़ बना रहे हैं वर्ल्ड वाइड हमने स्टेडियम्स की वीडियोज़ शेयर की हैं तो हम खुश होते हैं अच्छी बात है कि फैसलाबाद और गुजरा के लिए बात की गई है पूरे पाकिस्तान की सिटीज़ एक्सप्लोर होनी चाहिए भाई आप लोग कहते हैं कि एक सिटी में दो दो स्टेडियम्स पेशावर के लोग एग्जांपल देते हैं मैं कहता हूँ एक सिटी में चार चार पांच पांच स्टेडियम्स होने चाहिए न्यू सिटीज़ न्यू फ्रेंचाइज़ को ऐड करें पी की टीमें बढ़ाएं भाई क्या छः टीमें लेकर आप लोग टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं आई की एग्जाम्पल ले लें वो बारह चौदह तक भी पहुँच जाएगी उनका तो अभी तक शेडूल पूरा अनाउंस नहीं हुआ इस वजह से खैर मैं कहने का मकसद ये कि बाकी सिटीज़ भी ऐड हो सियालकोट एंड फैसलाबाद तो मस्ट ऐड होनी चाहिए उनके तो होम स्टेडियम नए रेडी हो जाएंगे फैसलाबाद का तो इवन यहाँ पर क्रिकेट भी होती है इस तरह से गुजरावाल का स्टेडियम आपने देख लिया कितना बड़ा बेहतर Det er en skrekkfilm med floodlights, everytingens tale. माजी में क्रिकेट भी होस्ट होती रही है लेकिन इनका ख्याल नहीं रखा जाता जिस वजह से स्टेडियम दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं यहाँ स्टेडियम हैदराबाद की एग्जाम्पल आपके सामने है वो तो पूरा स्टेडियम ही ख़राब हो गया और उसने कितनी माजी में बड़े मैचेस होस्ट किए इस तरह से गुजरावाला का ये बड़ा स्टेडियम फैसलाबाद का स्टेडियम बाकी भी ख़राब होते जा रहे हैं सो ये टेक ओवर किया है गुड न्यूज़ है मजीद भी प्रैक्टिकल वर्क अब ये करके दिखाएं अपग्रेडेशन रेनोवेशन का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो हम मानेंगे और ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बात मैंने की कि के पी वर्सिस पंजाब इस पर आप लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे सब सिटीज़ को मैचेस देंगे और पाकिस्तान में ये होता है अक्सर बजट की शिकायत रहती है के पी गवर्नमेंट को फेडरल को लेकर लेट्स होप कि इस बार ऐसा ना हो ऑब्वियसली मैं खुल के बोलता हूँ वहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट है के पी के में पंजाब में सी एम के तौर पर मोहसिन नकवी रह चुके हैं अब मरीम नवाज शरीफ हैं और ये आपस में यू नो एक ही पार्टी समझ लें और अब तो बड़ी न्यूज़ ये निकल के आई है इस पर मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो भी शेयर कर दूँ कि ये जो मोहसिन नकवी पी सी बी चेयरमैन बने ये भी तो ऑब्वियसली पोलिटिकली आए हैं जो केयर टेकर पी एम थे अनवारक कागड़ उन्होंने इनको हायर किया था तो ये भी लीगल नहीं पर भी केस चला हुआ है बड़ी न्यूज आई है इसकी भी मैं एक वीडियो डिटेल में कवर करूंगा तो पाकिस्तान में पीसीबी का चेयरमैन एक तो टिकता नहीं है तीन साल पूरे होने दिए जाते नहीं है ने तो आकर बड़े बड़े मज़ाइल तो छोड़ दिए हैं खुद की सीट का पता नहीं है कि अब प्लेयर्स को जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि ऐसे ऐसे मतलब कि लेक्चर झाड़ रहे थे कि फिटनेस पे नो कॉम्प्रोमाइज और मुझे जीत चाहिए हारे लेकिन लड़के हारना है बाकी इस तरह से हारना मैं नहीं मानूंगा और जैसे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप लोग हारे और बड़ी बड़ी ऐसी बातें की कि बस के आते साथ ही तूफ़ान तो लेके आ जाएंगे मोहसिन नव लेट्स लट्स ही देख लेते हैं आगे होता क्या है बड़े बड़े चेयरमैन आए हैं नजम सेठी आए हैं इसके इससे पहले रबीज राजा सब लोग आते रहे हैं सब ने बड़े बड़े आते साथ ही स्टार्टिंग के दिनों में सर गर्म रहे हैं और बड़े मिसाइल छोड़े हैं लेकिन बाद में फिर फुस हो जाते थे लेट्स लट्स ही देख लेते हैं क्या ट्रेनिंग होती है पाक आर्मी ट्रेन करी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये भी बताया और बड़ी सख्ती से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं खैर लेट्स होप के बाकी मामला तो अपनी जगह लेकिन ये जो स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन हैं और रेनोवेशन चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए सब कुछ रेडी होना चाहिए फिर चेयरमैन जाता है नहीं जाता वो फिर देखी जाएगी लेकिन एटलीस्ट अब तक चेयरमैन रहे हैं ये फिर से हटाने वाला मामला ना हो और ये सारे जो पीसीबी के मामलाते थे सेटल हो जाए खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर सो so, गुड न्यूज़ है फैसलाबाद सियालकोट एंड गुजरावाला के लिए लेट्स होप के बाकी जो सिटीज़ ऐड होती हैं कोई न्यूज़ आती है खास तौर पर कोयटा एंड पिशावर जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ अभी तक मोहसिन नकवी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है कोयटा को लेने चले पेशावर भी छोड़ दें तब हम जाके माने के ठीक है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पाकिस्तान के चेयरमैन पंजाब क्रिकेट बोर्ड के नहीं है खैर इस वीडियो के लिए इतना ही एंड लेट्स होप के सिर्फ टेक ओवर नहीं करेंगे इन स्टेडियम्स को अपग्रेड रेनोवेट भी करें टेक ओवर से कुछ नहीं हो चले टेक ओवर कर लिया तो अब आगे रेनोवेशन का भी कुछ हो सकता है वैसे तो लगता नहीं है ये लोग चेयर इंस्टॉलेशन ही एटलीस्ट करवा लें तो बड़ी बात होगी खैर मैं आपको अपडेट करता रहूंगा अगर कोई इन स्टेडियम्स के हवाले से मजदूर अपडेट आप चैनल के साथ जुड़े रहिए सोशल मीडिया हंडल्स पर भी आगे फॉलो कर ले फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़